जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा है या बादलों के पीछे से हट रहा है, यहाँ बर्फ के ऊपर एक अलग ही रंगत आ रही है। और ये व्लॉग बनाते हुए मुझे इस बात का डर लग रहा है कि लोग मुझे हिमाचल टूरिज्म का एजेंट ना समझे। होटल के बाकी गेस्ट की तरह हमारा भी प्लान था बाहर जाकर इस गुनगुनाती धूप का मजा लेने का, लेकिन वेदर का प्लान कुछ और ही था। ये आ गया है कुफरी का नव दुर्गा मंदिर। जय माता दी। आज सुबह से सभी गेस्ट को होटल से कुफरी से रिटर्न करने के लिए कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि जिस तरह से स्नोफॉल हुआ है और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की प्रॉब्लम आने वाली है, उसके देखते हुए सभी विजिटर्स को, सभी गेस्ट को यहाँ से नीचे शिमला की तरफ या उससे आगे जाने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। और ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो कुफरी छोड़कर निकल रहे हैं। आप देख ही सकते हैं क्या हाल है इस समय यहाँ पर। कोई भी नहीं है, सुबह सारे निकल चुके हैं। नहीं नहीं, पीछे गाड़ियाँ हैं स्टर्लिंग पे अभी है। हाँ हाँ, स्टर्लिंग पे गाड़ियाँ हैं। जैसे में हम आए थे उस समय भी मतलब कितना रश था, और आज मतलब देखो तो मतलब सब खाली हो गए थे ना। बहुत आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, अच्छा हो गया आप लोग ऊपर बैठे रहे, मेरे को नीचे काम करने में बड़ी आसानी हो गई। मतलब आपके साथ क्या लोग थे वहाँ पे? बहुत लोग थे यार, बड़ी हेल्थी लोग। मिट्टी इंट्रैक्शन बना रहे हैं। इंट्रैक्शन किससे बना रहे हैं? ताकि ना वो अपना लग सके, टायर है ना, टायर जो है बेटा वो गाड़ी में स्लिप होगी ना हमारी, किसी की भी गाड़ी स्लिप नहीं होगी बच्चे। जेसीबी लगा के क्लियर करके, रात कल रात को आपको पता है ना कैसे तूफान आया था, बुरी तरह से बर्फ गिरी, बुरी तरह। मेरे को कह रहे थे कहते आपका ये यहाँ से निकल गई ना गाड़ी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने बस आराम से प्यार से गाड़ी चलानी है, ब्रेक नहीं मारनी है। इतना साफ कर दिया है, पूरी अच्छे से कर दिया। पापा और बच्चा, हम कहाँ जा रहे हैं? शिमला। शिमला 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 करती थी, शिमला भी देखते जा। कहता ना घर से निकले थे, मुंह से निकला था, बच्चों को दिखाने ले जा। हां लाइटिंग 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 अपने ऊपर से स्नो उतार दी सारी। इतनी देख ली अभी और क्या करनी है, फोटो भी ले ली, वीडियो भी ले ली। वो देखना ऐसा लग रहा है जैसे वो करते हैं ना सूट, क्या कहते हैं, बैग रखते हैं, सब कवर करते हैं, सोफा रखा हुआ ऐसा लगता है ऊपर। क्या कर रहा है यार ये बंदा, मरवाएगा ये बंदा ना। अब निकलो आगे हो जाओ, फिसल की गाड़ी इसकी, निकलो निकलो। क्या बंदा है यार, रुको रुको रुको, जरूरी बर्फ सिर पे लेने के घूमना था। उनकी इसी की बर्फ गिर के इसी की गाड़ी की टायर फिसल गया। हाँ। और दूसरे भी लोग फिसलते हैं। अब रोक के ना, अब बर्फ उतार रहे सिर से। ये माउंटेन है ना, माउंटेन। माझे जाना जिम्बरा है ना पापा? जी बेटा जी, ये शिमला कोई जाना रास्ता है। शिमला के अंदर भी जाते हैं ना
गया हो गया, अब तो आप बन जाओ। मैंने आपको कहा था मगर इधर मिलेगी आपको। वेट 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 राइट आगे जरा। चायल, कुछ नहीं बदला है यहां, वही सर्दियों की गुनगुनाती धूप, वो नीले रंग की एम्बेसडर आज भी शर्मा सर के घर के बाहर खड़ी है, जिसमें बैठकर स्वाति उनके साथ स्कूल आया करती थी। चायल, ये बंदर का बच्चा आज से 20 साल पहले भी इतना ही था, कुछ नहीं बदला है। सभी चायल वासियों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा, उज्जत करने की आदत है। सच्चाई ये है कि कुफरी और शिमला के बाद चायल एक नेचुरल रिट्रीट है। ट्रैंक्विलिटी, सुकून अगर आपको चाहिए तो आपको चायल जाना चाहिए। हमारे साथ बच्चे थे इसलिए हमें उन्हें आउटिंग के लिए ले जाना पड़ा, अदरवाइज अगर फ्यूचर में मुझे कहीं रिट्रीट करना हो तो मैं सिर्फ चायल ही जाऊंगा।